एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी। मैं हूं रजनी। कैसे हो गाइस आप सब? गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक हेयर क्रीम। गाइस आप लोगों की डिमांड पर ये क्रीम का वीडियो लेकर आई हूं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी हमने हेयर फूड का जो वीडियो था वो देखा था, बहुत अच्छा लगा, ट्राई भी हम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये क्रीम भी कहीं पर देखी होगी तो वो बोले कि नहीं दीदी इस पर भी वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा चलो वैसे भी मैंने इस पर वीडियो देना ही था, बट आप लोगों की डिमांड पर वीडियो जल्दी लेकर आ गई हूं मैं। और ये जो है ना इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो हेयर फूड और हेयर क्रीम को लेकर काफी कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखा है हेयर फूड का तो उसमें आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि हेयर फूड को जो है ना वो आपने एज अ हेयर मास्क यूज करना है, जैसे आप ऑयलिंग करते हो वैसे करना है। लेकिन ये जो हेयर क्रीम है इसको आपने जब हेयर्स को वॉश करते हो, शैम्पू करते हो, तो बालों को एकदम से जैसे निचोड़ते हो, पानी सारा सेपरेट करते हो, तब इस हेयर क्रीम को आपने अपने पूरे बालों में स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक अप्लाई करना है। ठीक है ना, स्कैल्प को अच्छे से ये क्लीन करता है, तो आपने तब गीले गीले बालों में इस तरह से स्कैल्प पर लगाते हुए बालों की पूरी लेंथ पर इसको अप्लाई करना है। 10 टू 15 मिनट्स तक ऐसे ही बालों में छोड़ देना है और फिर नॉर्मल पानी से आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। एक तरह से ये आपके बालों में कंडीशनर का काम करेगा। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर मैंने कर दी है कि हेयर फूड और हेयर क्रीम में बस ये डिफरेंस है। काफी मतलब ऐसे पैकेजिंग सेम है, जैसे ही हम खरीदने लगते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, इस पर हेयर क्रीम मेंशन किया हुआ है जिस पर लिखा है डेंड्रफ क्लींजिंग हेयर क्रीम और उस पर है डेंड्रफ क्लींजिंग हेयर फूड, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, हेयर क्रीम है हेयर फूड, दोनों में से जो लेना चाहो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है गाइज, ये जो क्रीम है ना, ये हेयर क्रीम काफी बेनिफिशियल है। ये आपके स्कैल्प को क्लीन करती है, स्पेशली अगर आपके बालों में डेंड्रफ हो गई है तो डेंड्रफ को ट्रीट करती है। और ये टी ट्री से बना हुआ है, तो टी ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी अच्छा होता है और ये आपके बालों को एकदम से क्लीन कर देगा, स्कैल्प को एकदम से क्लीन कर देगा। बहुत सारे लोगों के स्कैल्प में पपड़ियां बनी होती हैं, बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो ये काफी अच्छा वर्क करेगा। आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। और लगाने का तरीका मैंने इसको बता ही दिया और पीछे इस पर लिखा भी हुआ है, मेंशन भी किया हुआ है कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में इस तरह से ये आता है और अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाएगा आपको। ये 100 ग्राम की पैकेजिंग में मिलेगा और आजकल purple.com पर आपको अच्छे से पता ही है कि सेल चलती है, तो वहां पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी इसका MRP होगा उससे आपको 20-25% जो है आराम से लेस मिल जाएगी, मे बी आपको इससे ज्यादा भी मिल जाए। एक बार जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी वहां से उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा कि एट प्रेजेंट आपको ये किस कॉस्ट पर पड़ रहा है। तो अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो फटाफट से लीजिएगा। तो गाइस ये काफी अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करके देखिएगा। और बस मैं इसको आज अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूं क्योंकि मैंने इसको पहले 2-3 बार लगा लिया है, अच्छा लगा मुझे, बट आज बस आप पर आपको ना मैं अपना पर्सनल जो है इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो बता रही हूं। ठीक है, तो लेना चाहते हो तो बेझिझक ले लो, इस पर जो आपका डाउट था वो भी मैंने दूर कर दिया है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। वीडियो से रिलेटेड यानी कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा और जरूर मैं आपको आंसर करूंगी। तो मिलूंगी आपको फिर से एक अच्छे से मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।